जुलाई से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। विधानसभा में मॉब लिंचिंग विधेयक पेश हो सकता है। बिल को लेकर के बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। पांचवी अनुसूची पर आघात करने का काम है, समीर उरांव का यह कहना है। अनर्गल कदम उठाकर जनता को गुमराह न करें, यह भी कहना है उनका। और आलमगीर आलम ने बीजेपी के आरोप पर पलटवार किया है। सदन से पहले पास हो चुका है मॉब लिंचिंग विधेयक। राज्यपाल ने विधेयक को वापस लौटा दिया था और इसे कहा जा रहा है कि इस बिल को फिर से पेश करने की बात कही जा रही है। तो झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 28 जुलाई से शुरू हो रहा है और सरकार इस सत्र में एक बार फिर से मॉब लिंचिंग से जुड़े विधेयक को लाने की तैयारी में है। दरअसल इससे जुड़े विधेयक को राजभवन ने आपत्तियों के साथ लौटाया था। अब सरकार एक बार फिर इसे कैबिनेट से पास करवाकर संशोधित बिल लाने की तैयारी में है, जिसे लेकर सियासी पारा हाई है। वार पलटवार हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इनका इस प्रकार से जो है अराजकता की स्थिति है। प्रशासन यहाँ कहीं भी काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपराधियों का ही साथ देते हुए सरकार, यानी अपराधी और सरकार दोनों मिलकर के यहाँ के जनता को ये क्रश करने का काम यहाँ की सरकार कर रही है। इसलिए इनको इस प्रकार से जो है अलर्गन कदम उठा करके यहाँ की जनता को गुमराह ना करे, ऐसा मैं उनको सुझाव देना चाहता हूँ। खारिज नहीं, देखिए एक बिल हम एक बार कहते, तीन बार हम भेज सकते हैं। उन्होंने उसमें कुछ बात को टिप्पणी किया, चाहे 1932 की खतियान हो, चाहे ओबीसी का बात हो। माननीय राज्यपाल महोदय अगर कोई चीज़ खारिज करते हैं तो ऐसा तो कोई डेमोक्रेसी में संविधान में तो नहीं है जो दोबारा उस बिल को राज्य सरकार या केंद्र सरकार नहीं भेज सकते। ये तो हमको तो नहीं, अब मसला ये लोग दे रहे हैं, ये तो है नहीं। अब केंद्र सरकार में भी देखिए बहुत सारी बिल जो है राष्ट्रपति से लौट कर दोबारा भेजा जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुमार चंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चंदन से जानेंगे। चंदन, 28 जुलाई से मॉनसून सत्र का आगाज होने जा रहा है, किन मुद्दों को इस बार किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? और ये भी कहा जा रहा है कि मॉब लिंचिंग से जुड़े जो विधेयक है उसे भी पेश कर सकती है सरकार। संपर्क टूट गया है संवाददाता से, लेकिन आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 28 जुलाई से शुरू हो रहा है और सरकार इस सत्र में एक बार फिर से मॉब लिंचिंग से जुड़े विधेयक को लाने की तैयारी में है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से संशोधित बिल ला सकती है सरकार। दरअसल इससे जुड़े विधेयक को राजभवन ने आपत्तियों के साथ लौटाया था। अब सरकार एक बार फिर से कैबिनेट इसे संशोधित बिल लाने की तैयारी में है।